हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कविता और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूं मोदक। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है, आप इसे जरूर ट्राई करें। तो चलिए आज की सिंपल 10 मिनट में बनने वाली मोदक की रेसिपी को शुरू करते हैं। नारियल का मोदक बनाने के लिए सबसे पहले गैस ऑन करके एक पैन गरम करेंगे। पैन के गरम होते ही हम इसमें घी डाल देंगे। तो मैं यहाँ पे 2 बड़े चम्मच घी यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो घी का यूज़ सिर्फ 1 बड़ा चम्मच भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे घी को अच्छे से मेल्ट हो जाने दें। जैसे ही घी मेल्ट हो जाएगा, हम इसमें घिसा हुआ कच्चा नारियल डाल देंगे। मैं यहाँ पे फ्रेश नारियल यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए, इसे मैंने ग्रेट कर लिया है और इसे हम घी में 4 से 5 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। इसे ब्राउन नहीं करना है, बस इससे अच्छी सी खुशबू आने लगे उतना ही हमें इसे पकाना है। आप चाहे तो सिर्फ टाइमिंग ध्यान में रखें, तो लो फ्लेम या फिर लो मीडियम फ्लेम पे इसे हम 4 से 5 मिनट तक ऐसे लगातार चलाते हुए भून लेंगे। 4-5 मिनट बाद हम देखेंगे कि नारियल का जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो बस इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं भूनना है। अब हम इसमें बाकी की चीज़ें डाल देंगे। तो मैं यहाँ पर 1/3 छोटा चम्मच इलायची का पाउडर, 3/4 कप यहाँ पे घिसा हुआ गुड़ यूज़ करेंगे। ये देखिए, गुड़ को मैंने ऐसे ग्रेट कर लिया है अदरक घिसने वाले से। तो यहाँ पे ये घिसा हुआ गुड़ डाल देंगे। आप चाहे तो गुड़ को ऐसे तोड़ के भी डाल सकते हैं, लेकिन उस केस में गुड़ को मेल्ट होने में ज़्यादा टाइम लगेगा और नारियल जो है वो ज़्यादा पक जाएगा। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि गुड़ को आप ग्रेट कर ले डालने से पहले। तो 1 कप गुड़ के लिए मैंने 3/4 कप गुड़ का पाउडर यूज़ किया है यहाँ पे। अब हम इसे मिला देंगे अच्छे से और मिलाते हुए हम इसे वापस 4 से 5 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाएंगे। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे सिर्फ काजू यूज़ कर रही हूँ और काजू को मैंने ऐसे क्रश कर लिया है। ये देखिए, तो यहाँ पे 6 से 7 काजू लिया है मैंने, इसे ऐसे क्रश कर लिया है और मिला देंगे। आप अपनी पसंद की और भी ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। तो काजू को मिलाने के बाद हम इसे 2 से 3 मिनट तक और पकाएंगे। तो पहले हमने नारियल को पकाया, नारियल को हमें 5 मिनट पकाना था और उसके बाद गुड़ डालने के बाद वापस 5 मिनट। टोटल बनाने में इसे हमें 10 मिनट ही लगेंगे। तो यहाँ पे ये नारियल जो है वो पक गया है, खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। बस यहाँ पर हम गैस को बंद कर देंगे और इसको हम थोड़ा सा ठंडा हो जाने देंगे। 3-4 मिनट के लिए हम इसे छोड़ देंगे ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। इसे हमें पूरा ठंडा नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। जैसे ही मिक्सचर थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, मतलब आप इसे ऐसे होल्ड कर सकते हैं, इतना ठंडा कर लें। इसके बाद ये मोदक का मोल्ड लेंगे और इसके अंदर इसे ऐसे स्टफ़ कर देंगे। इसमें हमें घी वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मिक्सचर में हमने घी यूज़ किया है। तो मिक्सचर को ज़्यादा क्वांटिटी में लेके अंदर स्टफ़ कर दें और इसके बाद ये जो एक्स्ट्रा नारियल है वो निकाल दें और नीचे से इसे हल्का सा प्रेस कर दें ताकि मोदक जो है वो शेप में आ जाए इसके अंदर। मिक्सचर आप जितना ज़्यादा स्टफ़ करेंगे, मोदक का शेप उतना ही परफेक्ट आएगा। तो इसे ऐसे सावधानी से खोल दें और यहाँ पे इसे हल्के हाथों ऐसे निकाल लेंगे और ये जो एक्स्ट्रा साइड में जो नारियल वगैरह है आप निकाल सकते हैं। तो इसे मैं प्लेट में रख देती हूँ और सेम प्रोसेस से बाकी के मोदक को बना लेंगे। तो है ना इसे बनाना आसान, बस हमने 10 मिनट लगाया और वो भी बस नारियल और गुड़ से। चीनी का यूज़ हमने इसमें नहीं किया है, तो थोड़ा हेल्दी भी है ये। अगर आपके पास मोदक का मोल्ड नहीं है तो आप इसे लड्डू भी बना सकते हैं। तो बस डिज़ाइन में फ़र्क आएगा, टेस्ट में नहीं। तो यहाँ पे ये दूसरा मोदक मैंने बना लिया है। सेम प्रोसेस से ये बाकी के मोदक को मैं बना लेती हूँ। आप इस मोदक को बनाने के बाद 1/2 से 1 घंटे के लिए छोड़ दें ताकि इसका जो टेक्स्चर है वो थोड़ा सा और हार्ड हो जाए। तो यहाँ पर हमारा लास्ट मोदक जो है वो रेडी हो गया है। तो इसे भी मैं ऐसे निकाल लेती हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट मोदक आया है। तो बेस्ट मोदक हमारा रेडी हो चुका है, थोड़ी सी क्लीनिंग कर देती हूँ। तो 10 मिनट में हमारे बहुत इजी, बहुत ही टेस्टी मोदक बनके तैयार हो गए हैं। आप इसे भगवान के प्रसाद में चढ़ाएं या फिर ऐसे ही बना के रखें और आप ऐसे भी खा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें कविताज किचन के नाम से। तो ये हमारे मोदक रेडी हो चुके हैं। अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।